आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक मुल्क की दाखिली सलामती मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दिफाए वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम से। फैसल, इस बारे में आगाह कीजिएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में मुनक्किद हुई है, जिसमें माज़र वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल से मुतलिक तफसीली तौर पर आगाह किया गया और कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया ममल्क में ठिकाने और उनसे जो जदीद असला उनके पास मौजूद है उस हवाले से TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा करने हैं, उस तनाजुर में देखा गया है। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती पहलुओं पर भी गौर किया गया और जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मारूज तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खास है और कौमी सलामती को लाद किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फोरम को माशी बाजी के मनसूबे सरमाकारी सहूलत कौंसिल के दायरेकार से भी आगाह किया। IT मादनियात दफाई पैदावार शोबों में तरक्की के लिए फौज की काशों पर ब्रीफिंग दी गई और हुकूमत की मीशत बहाली के लिए हमत अमली को हर मुमकिन मामनत फराम करने के अजम का इजाज़ किया गया। जी बहुत शुक्रिया फैसल हकीम, तफसील आगाह करने के लिए।